6 साल पहले की बात है। एक लड़का था, वो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था। उस लड़के का सपना था कि एक दिन वो एक ऐसा काम करेगा कि सभी उसे याद रखें। वो लड़का खुद की एक पहचान बनाना चाहता था। वो पैसे के साथ साथ नाम भी कमाना चाहता था। वो गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। एक दिन उसे फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने उस लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। पहले तो लड़के को लगा कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि कोई लड़का है। लड़के ने लड़की से कहा, मुझे शक हो रहा है कि तुम एक लड़का हो। अगर तुम एक लड़की हो तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। मुझे फ़ोन करो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। ये कहते ही लड़की कुछ देर बाद ऑफलाइन हो गई। फिर एक दिन अचानक लड़की ने लड़के को कॉल किया और कहा, पहचाना मुझे? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, कौन हो तुम? लड़की ने फिर से कहा, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम फ़ोन पर बात करना चाहते थे। लड़के ने लड़की को पहचाना और कहा, अच्छा, तुम वही लड़की हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें एक लड़का समझा। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं। फिर वो दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। ऐसे ही सालों तक दोनों की बातें होती रहीं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। लड़की सभी से बहुत अलग थी। वो अपने घर वाले और उस लड़के के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लड़की जब कोई गलती करती तो लड़का उसे डांट देता। फिर वो लड़की रोने लगती। फिर लड़का उसे मनाता था। लड़का हमेशा लड़की से कहता था, अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी भी तकलीफ हो और अगर मुझसे दूर रहकर तुम्हें खुशी मिलती हो तो फिर तुम मुझे छोड़कर चली जाना। लेकिन लड़की हमेशा बोलती थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी। ठीक ऐसे ही 1 साल बीत गया। वक्त के साथ साथ लड़की बदलने लगी। वो दूसरों से बातें करने लगी, बातें छुपाने लगी और झूठ बोलती रही। लड़के को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लड़का उसे बोलता रहता था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि जब कोई झूठ बोलता है तो धोखे जैसा लगता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ मत बोलना। लेकिन लड़की बदल चुकी थी। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि लड़का क्या सोचेगा उसके बारे में। लड़की दूसरे लड़कों से बातें करने लगी थी। लड़के को ये डर लगने लगा था कि कोई उसे उससे चुरा ना ले, क्योंकि लड़का लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसके लिए वो लड़की अपने जान से भी ज़्यादा कीमती हो गई थी। धीरे धीरे लड़की उससे कम बात करने लगी। लड़की के घर वालों को इसके बारे में पता चल गया। लड़की का फ़ोन आना कम हो गया। लड़का उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि लड़की के पास खुद का फ़ोन नहीं था। वो घर के फ़ोन से लड़के से बातें किया करती थी। अब वो सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। अचानक लड़की का फ़ोन आना एकदम से बंद हो गया। 2 महीने बीत गए। लड़का बहुत चिंता कर रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने लड़की को फ़ोन किया। लड़की की माँ ने फ़ोन उठाया। लड़के ने लड़की के बारे में पूछा और उन दोनों के बारे में सारी बातें बता दी और कहा, आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। लड़की की माँ ने कहा, मैं उसकी शादी तुमसे नहीं करवा सकती और आज के बाद यहाँ पर फ़ोन मत करना, समझे? लड़की लड़के को अब बहुत कम फ़ोन किया करती थी। एक दिन लड़की ने फ़ोन किया और कहा, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हो ना, और तुम कहते थे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो लड़की ने कहा, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज़। लड़के ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो फिर मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे छोड़ कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। लड़की नहीं मानती है। लड़का फिर बोलता है, ठीक है, तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना और अनजान लोगों से बात मत करना। लेकिन जाते जाते मेरा एक काम कर दो, मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर देना,
क्योंकि जब भी मैं तुम्हें फेसबुक पर देखूंगा तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। लड़के ने लड़की से फिर पूछा, मुझे छोड़ने की कोई वजह तो बता कर जाओ। लड़की ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दो। ये कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़की ने उसे फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया। लड़का परेशान होकर रोने लगा। लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और घर वापस आ गया। लड़का बहुत बदल गया। वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता था, कहीं घूमने नहीं जाता था। धीरे धीरे उसे खराब आदत लग गई। वो नशा करने लग गया। दिन भर यही सोचता था कि जो लड़की उसे इतना प्यार करती थी वो उसे छोड़कर कैसे चली गई। इसी याद में वो पल पल मरता रहा।